भगवान है अणु अणिया महतो महिया। अणु अणिया मतलब छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा, ये कैसे संभव है? ये डेफिनेशन है, यही भगवान शब्द की व्याख्या है, परिभाषा है, जो बड़े से भी बड़ा है और जो छोटे से भी छोटा है। तो इसलिए लोगों के दिमाग में एक दिन एक 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 उसमें देख रहा था, डिबेट चल रही है, बोल रहे कि आप लोग भगवान की पूजा करते, मतलब कोई कुछ क्रिश्चियंस लोग ऐसे डिबेट कर रहे थे, एक भोले वाले आदमी को पकड़ लिया, डिबेट चल रही थी, तो बोल रहे आप लोग भगवान की पूजा करते हो, भगवानों क्या पूजा की जरूरत है, आप उनको खिलाते हो, उनको क्या खाने की जरूरत है? पहली बात तो क्या मूर्ति खाती है, एक क्वेश्चन उनका ये, और खाती भी तो उनको वो उनको भूखे रखती है क्या, खाने की जरूरत है क्या उनको? अब जो व्यक्ति थोड़ा बहुत शास्त्र नहीं जानता है वो तो आंसर नहीं दे पाएगा। प्रभुपाद जी से किसी ने बोला कि प्रभुपाद जी आप भगवान के वहां भोग लगाते हो, क्या खाते हैं? तो प्रभुपाद जी अच्छा आंसर दिए, प्रभुपाद जी कहते गीता में भगवान कहते मैं खाता हूं, मतलब खाते हैं, सिंपल, अस्नानी प्रेतात्मना, मैं लेता हूं, मैं खाता हूं। तो प्रभुपाद जी आगे तर्क देते हैं, हम क्या गीता में लिखी हुई कृष्ण की बात माने या उन रास्कल जो डिबेट कर रहे उनकी बात माने? जो कृष्ण ने बोल दिया मैं खाता हूं मतलब खाता हूं, इसमें और क्या तर्क चाहिए? भारत में ये सब इजीली हम डाइजेस्ट कर जाते हैं, भगवान खाते हैं, विदेशियों को समझाना बड़ा मुश्किल, उनकी उनकी फिलॉसफी है ही नहीं ये कॉन्सेप्ट कि भगवान, कभी उन्होंने देखा आपने चर्च में जाके जीसस का ऐसे सामने रखते हैं, कुछ ऑफरिंग करते हैं घंटी बजा के, क्यों होता है ऐसा? नहीं होता, उनको नहीं पता। कभी कभी मक्का मदीना में इस तरह होता है क्या कि जाके अल्लाह की ऑफरिंग करते हैं? उनका कॉन्सेप्ट है अल्लाह निराकार है। हमारे सब चीज के पीछे थियोलॉजी है, भगवान प्रेम से स्वीकार करते हैं, तो क्यों मांग रहे? जद करोसी, जद अस्नासी, जद जिहोसी, ददासी जद, तुम जो खाते हो मुझे अर्पित करो, भगवान कहते रहे, उनको क्या जरूरत है? पर लेते हैं, खाते हैं। तो लोग ये समझ नहीं पाते खाते कैसे हैं, खाते कि नहीं खाते भगवान। हमारे लिए चीज को समझना बहुत सरल है, हमारे खून में ये सब बचपन से सुना है, देखा है, लेकिन ये चीज जो दूसरे धर्म के लोगों को समझाना या दूसरे रिलीजन के लोगों को समझाना, दूसरे देश के लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है, उनके अंदर एक कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं कि भगवान के साथ प्रेम का विनिमय हो सकता है, वो खाते हैं, वो लेते हैं। और भगवान कैसे खाते हैं? अगेन देखिए, भारत में और मूर्ता का अलग लेवल, सरलता बोलिए लेकिन एक एट द सेम में मूर्ता भी है। जैसे भारत में कभी कभी आप देखे होंगे भगवान कृष्ण को मक्खन खिलाते हैं, जन्माष्टमी में लोग मक्खन खिलाते हैं, फोटो में मुंह में लगा देते हैं, ये माताओं का प्रेम है, अच्छी बात है, लेकिन आइडियली भगवान आग से खा सकते हैं। तो आप मुंह में डालिए कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको फिलॉसफी पता होनी चाहिए कि भगवान आग से भी खाते हैं। ब्रह्म संहिता में लिखा गया अंगानी यस सकलेन व्यवृत्ति मानती, भगवान आंख से देख करके खा सकते हैं, उनके लिए खाने के लिए मुंह होए, मुंह में डाला जाए जरूरी नहीं है। तो सरलता के साथ भगवान को अर्पित करना वो अच्छी बात है, एट द सेम टाइम इस सिद्धांत हमें पता होना चाहिए ताकि कोई व्यक्ति का तर्क करे उसको काट सके हम।